मैं बाइक लेके जा रहा था तो ये बीच में आ गया और इसके लग गई, तो मैं यहाँ घर पर लेके आ गया था। अभी तो ये ठीक है क्योंकि गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है, और काफ़ी दिन से हम खेत पर नहीं गए हैं, तो खेत पर भी जाएंगे और अभी चाय पी लेते हैं, फिर बाद में हम निकलेंगे खेत के लिए। तो गाइस आज काफ़ी मैं बाइक लेके जा रहा था तो ये बीच में आ गया और इसके लग गई, तो मैं यहाँ अभी तो ये ठीक है। आंचा की दवाई ना खिया हमने, यूं थोड़ थोड़ ये की दवाई दो जन ने दी कर। तो चाय कंप्लीट बन चुकी है और दी चाय डाल रही है कप के अंदर, चलते हैं वहाँ पर बैठते हैं, दी लेके आ जाएंगी। फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, चाय पी लेते हैं फिर बाद में चलते हैं। फाइनली आ चुके हैं खेत पर, यहाँ पर गाड़ी लगा ली है हमने छाया में, चलते हैं खेत में। वहाँ पर तालाब भरा हुआ था वो सूख गया है अभी पूरे तरह से, और काफ़ी दिन हो गया मैंने भी वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए आज वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बड़े पप्पे का खेत पूरा हरा भरा हो गया है कंप्लीट, और ये हमारा खेत है, यहाँ पर बैंगन बोया हुए हैं और ये अभी उग रहे हैं निकल रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं बो रखा है, यहाँ पर भी पता नहीं, ये शायद लहसुन हो गए या फिर प्याज होंगे, और ये पालक टमाटर, ये टमाटर हैं, ये टमाटर लग रहे हैं ये देखो, और फिर से बैंगन का पौधा, और ये है मिर्ची। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था इस झाड़ी के बोर काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, अभी नहीं है, सारे नीचे गिर गए हैं। और यहाँ पर बड़ी मम्मी कुछ कर रही है वहाँ पर, पता नहीं क्या कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं ज़रूर। और इनके भी ये मिर्ची वगैरह बो रखी है, बैंगन। यहाँ पर भैया के खेत में पानी चल रही है मैं, और पापा जी कुछ देख रहे हैं वहाँ पर बो रखा है तो क्या। और काफ़ी व्लॉग में प्रेम को देखा होगा आपने, ये हमारे कैमरामैन, चले 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 चलो। ये तालाब का नज़ारा है और वो हमारा कुआं, अभी ठंड का मौसम है, काफ़ी ठंड भी लग रही है, अभी दिन में भी लग रही है ठंड, क्योंकि हम तालाब में आ चुके हैं इसलिए खुला है ना, तो यहाँ पर हवा ज़्यादा चल रही है तो ज़्यादा ठंड लग रही। तो हम आ चुके हैं सबसे गंदे इलाके में, तो यहाँ से गंदगी स्टार्ट होती है हमारे गांव की, काफ़ी गंदगी है यहाँ पर, और गंदगी करते हैं लोग, और यहाँ पर नल फिटिंग हो रहा है। तो गाइस ये अपना एरिया है पूरा सुनसान, और वहाँ पर नल फिटिंग चल रहा है, अपने शॉप भी ओपन कर देते हैं अभी, काफ़ी देर हो गई, और नए नए प्रोडक्ट आए हुए हैं मेरे पास, तो लेना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए एयरबड 6 महीने की गारंटी के साथ। गाइस काफ़ी दिन हो गए हमने वीडियो नहीं बनाया है, तो अभी आज वापस शुरू किया हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये हमारे रजाक जी आ चुके हैं, और रमजान बेगम, ये बेगम है रजाक जी, चाचा जी को बोल रहे हैं कि ये बेगम है। आज मिलते हैं शाम को, रात के 7:07 और पूरी गलियां सुनसान।
और ये प्रेम अभी तक नहीं सोया है। खाना खा लिया? नहीं खाया। अच्छा देखिए पूरी गलियां सुनसान, केवल दुकानें ही खुली हुई है, बाकी कोई नहीं है। और ये कटोरा लेके कहाँ जा रहा है? भीख मांग रहा है? तो सब्जी लेने। सब्जी लेने कहाँ पर? अंदर मेरे घर पर। तो बड़े पापा के घर पर? अच्छा कौन सी सब्जी लेके आएंगे? हैं पता नहीं, नहीं बताया। तो लेने जाना, यहाँ क्यों खड़ा है? यहाँ पर क्यों खड़ा है? तो मम्मी मक्के की रोटी बना रही है देसी चूल्हे पर, और ये दूध गर्म हो रहा है। हम आज भी देसी चूल्हे पर ही बनाते हैं, और हमारे पास ये गैस पड़ा हुआ है, ये देखो दो दो टंकी है, लेकिन हम देसी चूल्हे पर ही बनाते हैं क्योंकि भर पेट खाकर चूल्हे से ही मज़ा आता है खाने में। जो स्वाद आता है ना देसी स्वाद, उसकी बात अलग है, इसीलिए हम देसी चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ शॉप पर, कुछ काम था इसलिए। क्या कर रहा है? क्या कर रही है राशि? कुछ नहीं पढ़ रही। अच्छा पढ़ाई कर रही है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो इसे चेक कर रहे हैं अभी। हमारे फ्रेंड शंकर जी पानी आ गया है पूछेगा चावल का पानी, और मैं कोई बात नहीं घर घर में आ जाए पानी, कोई कमी नहीं रही है। अगर पूरा गांव में है कई घाटा को नहीं। तो गाइस खाना आ चुका है, मक्के दी रोटी और ये मिर्ची की सब्जी है, और मेरा फ़ोन में यूट्यूब चल रहा है ये देखें, और ये हरी मिर्च मम्मी छाछ डाल रही है, खा लेते हैं बाद में मिलते हैं। तो फाइनली गाइस खाना पीना हो गया है, और अभी एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।